शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पहला खबर है वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो Y23 प्रो को लेके, और रिपोर्ट का ये दावा है कि ये जनवरी 4 को लॉन्च हो सकता है इंडिया में। अगर मैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है। अगला खबर है आइको के अपकमिंग स्मार्टफोन आइको 9 प्रो को लेके, और इस फोन में आपको 120 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर, 6.2 इंच का डिस्प्ले, 48+13+13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और बैटरी आपको 4700 mAh देखने को मिल सकता है। और ये फोन इंडिया में फरवरी को भी लॉन्च हो सकता है। आपको इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है वन प्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन वन प्लस नोड 2 CE को लेके, और इसके स्पेसिफिकेशन लीक हुए। और अगर इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताओ तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 प्रोसेसर, 12 GB तक का रैम, 256 GB स्टोरेज। मैं आपको मैक्सिमम स्टोरेज और रैम के बारे में बता रहा हूँ, आपको वेरियंट इसमें देखने को मिलेगा। और 64+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 4500 mAh का बैटरी, 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ऑक्सीजन OS 12 एंड्रॉयड 12 के साथ ये फ़ोन जनवरी एंड तक लॉन्च हो सकता है। और इस फ़ोन के प्राइस के बारे में बताओ तो इस फ़ोन का प्राइस 30,000 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है एप्पल कार को लेके, और आपको तो ये पता ही होगा कि एप्पल इलेक्ट्रिक कार के ऊपर काम कर रहा है, और रिपोर्ट का ये दावा है कि ये कार 2025 तक लॉन्च हो सकता है। और अब UK बेस्ड कंपनी ने उसी र्यूमर्स से एक 3D कॉन्सेप्ट कार डिज़ाइन किया है, जो आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हो। आपको ये कार देखने में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट 3D मॉडल है एप्पल कार का। अगला खबर है LG की तरफ से, और LG आप रोलेबल कार इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के ऊपर काम कर रहा है, और ये कुछ पैटर्न्स निकल के आए हैं सामने। वैसे आपको ये पता होगा कि LG का खुद का रोलेबल LG स्मार्ट TV भी है, और LG रोलेबल स्मार्ट वॉच के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है काउंटरपॉइंट ने एक रिसर्च किया है इंडिया में, और उसमें उन्होंने ये पाया कि इंडिया में अब स्मार्टफोन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही परचेज करते हैं अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन से। और ये तो ऑब्वियस ही होना था क्योंकि COVID-19 के टाइम में दुकान सब बंद था, और अब जाके लोग ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, और आगे भी ऑनलाइन में ही लोग ज़्यादातर परचेज करेंगे। वैसे आप ऑनलाइन में परचेज करते हो या ऑफलाइन में परचेज करते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा, उन्होंने उस रिसर्च में ये भी पाया कि ज़्यादातर लोग जो फ़ोन ख़रीदते हैं वो सबसे पहले जाके YouTube में वीडियोस देखते हैं उस फ़ोन के बारे में, फिर जाके अपना फ़ोन ख़रीदते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूबर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं फ़ोन ख़रीदने से पहले। और मुझे ये लगता है कि कंपनीज़ को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह के रिव्यूज़, किस तरह के अनबॉक्सिंग YouTube में होते हैं। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है माइक्रोसॉफ्ट को लेके, और आपको तो ये पता होगा कि विंडोज़ लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र एक मिलता है। अगर आप उस ब्राउज़र में जाके कोई भी दूसरे ब्राउज़र के बारे में सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम भी आप सर्च करते हो, तो आपको ये दिखाएगा कि आप गूगल क्रोम डाउनलोड मत कीजिए, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ही काफ़ी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कुछ इस तरह का मैसेज आपके स्क्रीन में आएगा। और लोग अब इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एज ही पसंद आएगा, हमें ऑप्शन भी देना चाहिए। वैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस तरह का पॉपअप मैसेज आपको नज़र आएगा जब भी आप किसी दूसरे ब्राउज़र के बारे में सर्च करते हो। तो आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैंने खुद ये ट्राई करके देखा। अगला खबर है आसूस के क्रोमबुक CX1 को लेके, और ये एक मिलिट्री ग्रेड क्रोमबुक है। मैंने आपको ये इंटेक में न्यूज़ पहले भी दिया था, और ये अब जाके इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और इसका प्राइस है 18,990। और मैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल कर सकते हो इसे। वैसे आपको ये क्रोमबुक कैसा लगा देखने में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है US के पायलट ने साउथ चाइना सी के ऊपर में जो बादल है वहाँ पे कुछ लाइट्स को देखा, और लोग अब ये कह रहे हैं कि ये UFO हो सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये UFO होंगे, क्योंकि ये साउथ चाइना सी के ऊपर में जो बादल थे वहाँ पे उन्होंने ये लाइट्स को देखा, और मुझे ये लगता है कि ये चाइना कुछ टेस्टिंग कर रहा होगा। उन वो लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वैसे आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली ये लगता है कि चाइना कुछ चुपचाप टेस्टिंग कर रहा है,
कुछ दिन बाद वो बताएगा कि हमने ये टेस्टिंग कर दिया। अगला खबर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेके, और सैटरडे को उनका 2:11 में ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और उसमें बिटकॉइन का प्रमोशन हुआ। वैसे मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन वाले हैं उनको ज़्यादा ही मिर्ची लग गया है, जब से इंडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो है उनको बैन करेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है, 2020 में 3 सितंबर को भी नरेंद्र मोदी जी का एक दूसरा ट्विटर अकाउंट है नरेंद्र मोदी इन करके, वो भी हैक हो गया था और उसमें भी क्रिप्टो को लेके प्रमोशन किया गया है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पासवर्ड आप 56 रखोगे तो आप क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी साइबर सिक्योरिटी लॉ और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाइए ताकि हम जैसे लोगों का भला हो सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।